भगवान भोलेनाथ श्रावण मास में जो भगवान भोलेनाथ की जाने अनजाने में भी अगर कोई गलती से शिव का पूजन करता है अथवा शिव का स्मरण करता है तो भूत बावन भोलेनाथ उसके ऊपर अहेतु की कृपा करते हैं। श्रावण मास की शिवरात्रि 6 तारीख को है। क्या तारीख को है, जोर से बोलो। 6 तारीख को 6:28 से शुरू हो रही है शिवरात्रि 6 तारीख को, और 7 अगस्त शाम 6:36 तक रहेगी। तो इसका मतलब है विशेष रात्रि तो 6 को ही मनाई जाएगी, क्योंकि रात्रि तो 6 को ही पड़ने वाली है। 7 अगस्त को तो रात्रि पड़ने वाली है नहीं। अब प्रश्न उठता है शिवरात्रि का कोई विशेष महात्म है क्या? बहुत बड़ा महात्म। शिवरात्रि को अगर एक बेलपत्र अनजाने में भी चढ़ गया शिव जी के ऊपर आपके हाथ से, आप कल्पना नहीं कर सकते उसका कितना फल है। एक कहानी, एक कथा है शिव पुराण में, और बड़ी सुंदर कथा है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में यह कथा आती है। गलती से भी जिसके मुंह से शिव शिव निकल गया, शिव का नाम निकल गया, उसके पुण्य का प्रभाव कितना है कोई बता नहीं सकता। हमने कहा कि कल हम कह रहे थे ओम नमः शिवाय उन लोगों को नहीं बोलना चाहिए जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ, उन्हें ओम नहीं बोलना चाहिए। ध्यान से सुन ले, नमः शिवाय बोल लो चाहे, लेकिन ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए। जो लोग यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं उन्हें ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए, ओम का उच्चारण नहीं कर सकते वो लोग। ध्यान देंगे इस बात को, बड़े सावधानी पूर्वक सुने। जो लोग यज्ञोपवीत धारण नहीं करते, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, उसमें देवियां भी आ जाएंगी। देवियां सोच रही हमारे लिए, हम तो क्या हम बोल रहे नहीं, तो आपके लिए दूसरा विधान है। बोले क्या? नमाय, आप जो बोल सकते हैं नमः शिवाय या शिवाय नमः, शिवाय नमः भी आप बोल सकते, लेकिन ओम नमः शिवाय ओम नहीं बोलेंगे आप। ओम जो है प्रणव है, और प्रणव का उच्चारण विधान के साथ किया जाएगा, बिना विधान के नहीं। इसलिए जो शिवलिंग बना रहे हैं, देखो हम जितना पढ़ते जा रहे हैं उतना ही तुम्हें बताते चले जा रहे हैं, जितना गुरु कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है हम तुम्हें शेयर कर रहे हैं, हमारा नहीं है, वेद व्यास जी की उच्चिष्ट है। वेद व्यास जी ने दिया और हम तुमको शेयर कर रहे हैं, गुरुदेव ने दिया हम आपको शेयर कर रहे हैं। तो जो पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं वो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ना बोले, नमः शिवाय नमः शिवाय बोलते रहे और करते रहे, बढ़िया रहेगा। बोले अब तक तो हम ओम नमः शिवाय बोल रहे थे तो गलती हो गई, सॉरी बोल दो, भगवान कौन सा वहां जाके हमसे लड़ेगा। अब जब हमें बोध नहीं था तो हमने वो बोल दिया, और अब जब बोध हो गया, जब हमें पता चल गया, तो हम ये भगवान से कह दे कि मालूम नहीं था, आई एम सॉरी गॉड लॉर्ड शिवा, आई एम सॉरी, प्लीज हमको माफ कर दीजिए। बोला बाबा कर देंगे, वो बोल बोले हैं, बहुत बोले, एक सेकंड में क्षमा। तो श्रावण मास की जो शिवरात्रि आ रही है इसका बहुत बड़ा महात्म है, बहुत बड़ा। हम सबको, वैसे हम तो सोच रहे हैं भगवान कृपा कर दे कि श्रावण मास की शिवरात्रि को अभिषेक किया जाए, वो हम अपना सोचेंगे, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा सोच के तो हम फंसते ही जा रहे हैं, जितना हम सोचते तुम लोगों का कल्याण हो उतने ही हम फंसते जा रहे हैं। कभी कभी तो मन में आता है कि तुम अकेले फंसो और सबका कल्याण हो जाए तो उस फंसने में भी भलाई है।
लेकिन कभी कभी मन करता है कि भैया तुम्हारा भी तो सोचो कुछ। तो चलो आज आप ही बताओ, हमें अपना सोचना चाहिए कि आपका? नहीं बताओ, कहते ना दो में से एक को चूज करो, तो बताओ हम क्या करें दोनों का? हाँ मोस्टली वही बोले, हमें भी छोड़ो मत और खुद के बारे में कभी कभार सोच लो। तो उसके लिए बढ़िया है जब भगवान भोलेनाथ कृपा करेंगे, हम कार्यकर्ताओं से निवेदन करेंगे अगर, क्योंकि विसर्जन भी शाम को होना है, जब जितने भी पार्थिव शिवलिंग बनेंगे फिर उनका विसर्जन होगा, उसके बाद रात्रि में फिर कहीं अभिषेक होगा। तो ऐसा कुछ करें कि आपका और हम सबका कल्याण हो सके, ये हमारा कार्यकर्ताओं से निवेदन, और जो सुविधा हो सके देखें। तो हम कहां थे, शिवरात्रि। वैसे तो हर महीने में आती है, हर एक महीने में शिवरात्रि होती है, पर विशेषतः श्रावण मास की, और जो प्रॉपर शिवरात्रि है वो बहुत महत्वपूर्ण है। श्रावण मास की शिवरात्रि, इस दिन जाने अनजाने में किए हुए सुकृत अथवा बोले हुए शिव नाम अथवा किया हुआ शिव पूजन कितना बड़ा प्रभावी होता है, उसकी कथा शिव पुराण में आती है। संयोगवश हुए शिव पूजन से चांडाली का भी कल्याण हो गया। कैसे, बड़े ध्यान से सुनो। नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वम सेव सत्तमम। हे सूत जी महाराज आप धन्य हैं, हे महाभाग आप परम सेव हैं, अतः आप धन्य हैं। हे विभो कृपा करके हमें वो चांडालनी कौन थी, उस चांडाली का कल्याण कैसे हुआ, कृपा करके हमको बताइए। देखो कई लोग दुखियारे दुखी होके बना रहे हैं, शिव जी इतने दुखी हैं कि मानो इस जन्म में इन पे सबसे बड़ी संकट आन पड़ी है। शिव जी मानो इनसे बदला ले रहे हो कि तुम मेरा निर्माण करो, है? जितना मल रहे हो ना उतना ही तुम्हारा मैल पवित्र हो रहा है, ये याद रखो। जितनी बार घिसोगे हाथों से, और ज्यादा मत घिस देना कहीं, जितने पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो उतने ही पवित्र होते जा रहे हो। पार्थिव शिवलिंग निर्माण से व्यक्ति पवित्र होता है। तो इस कथा में आप तो जानबूझ के कर रहे हो ये कार्य, लेकिन अनजाने में किया हुआ ये कार्य कितना बड़ा लाभदायक हुआ, जरा सुनिए। वो चांडाली कौन थी, कृपा करके उसकी कथा हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सुनने वालों की भक्ति को बढ़ाने वाली तथा शिव के प्रभाव से मिश्रित उस अत्यंत अद्भुत कथा को आप लोग भक्ति पूर्वक सुनो, क्योंकि भक्तों की कथा सुनने से हमारी भक्ति बढ़ती है। पूर्व में जिन लोगों का कल्याण हुआ है उन्हीं लोगों का वृतांत अगर हमारे श्रवणों में पड़े तो हमारा कल्याण होता है, हमें नई राह दिखाई पड़ती है, नए मार्ग का दर्शन होता है। मात्र दो बार शिव शिव बोलने का क्या लाभ था, मात्र दो बार सुने। वह जो चांडाली थी पूर्व जन्म में सभी लक्षणों से संपन्न तथा चंद्रमा के समान मुख वाली सोमनी नाम की ब्राह्मण कन्या थी। सोमनी नाम चंद्रस्य सर्वमंगल सर्व लक्षण संयुक्त, बड़ी सुंदर थी, ब्राह्मण की पुत्री थी, सारे गुणों में संपन्न थी, बहुत श्रेष्ठ थी। वो ब्राह्मण कन्या थी, सोमनी नाम से उसे जाना जाता था। सोमनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, एक निश्चित आयु हो जाने पर एक ब्राह्मण के साथ में उसका विवाह कर दिया गया। सोमनी बड़ी सुलक्षणा थी, भजन करने वाली थी, शिव का
सोमनी नाम था उसका, लेकिन विधाता की लीला को तो विधाता ही जानता है, कोई और नहीं जानता। हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, तदनंतर नवीन यौवन शालिनी वह उत्तम व्रत वाली सोमनी पति को प्राप्त करके उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगी। ये कार्य कुछ दिन चल ही रहा था। कभी कभी जीवन में एक बहुत विशाल काय दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। सोमनी का वो नव युवक ब्राह्मण पति जो था वो रोग ग्रस्त हुआ, कोई रोग उसे लग गया, और उस रोग के लग जाने पर वो उस रोग से निवृत्त न हो सका, रोग से उसे मुक्ति नहीं मिली, अपितु रोग के माध्यम से उसे मुक्ति मिल गई, वो मुक्त हो गया, मतलब वो समाप्त हो गया। भरी युवा अवस्था में सोमनी विधवा हो गई, भरी जवानी में, और ये दुख छोटा दुख नहीं होता है, ये दुख बहुत बड़ा दुख होता है। भरी जवानी में, आजकल इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, वैसे शास्त्रों में प्रमाण है कि ब्राह्मण मानस की चौपाई कहती है विधवा होए पाए तरुणाई। भरी जवानी में विधवा कौन होती है, इसका वर्णन रामचरितमानस में है। जो अपने पति के विरुद्ध आचरण करती है वो भरी जवानी में दूसरे जन्म में विधवा हो जाती है। मैं क्षमा चाहता हूं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अब यही बात पुरुषों पे भी लागू है, वो विधवा हो जाती है, वो विदुर हो जाते हैं। भरी जवानी में अगर पत्नी साथ छोड़ दे तो उतना ही बड़ा दुख पति को भी है, पति पत्नी एक जोड़ा है और उस जोड़े में ही जीवन व्यतीत होता है। जैसे गाड़ी में चार पहिए हैं फोर व्हीलर में, लेकिन बाइक में दो व्हील है ना, दो पहिए हैं, जो बैलगाड़ी चलती थी दो बैल पहिए होते थे, और वो पहिए नहीं होंगे तो वैसे ही जीवन है, स्त्री पुरुष नहीं होंगे संसार आगे नहीं बढ़ेगा। परंतु बहुत दुख होता है जब बीच में ही कोई सा एक एज हो जाए, 80-70-80-90 साल हो जाए, जब कोई चला जाए तो ठीक है, लेकिन कोई 20-25 साल का ही हो, 30 साल का ही हो और तब साथ छूट जाए तो वो दुखदायी होता है, वो कष्टप्रद होता है। लेकिन ये भी सत्य है, स्त्री हो अथवा पुरुष, ये कर्म का ही फल है। जो चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो, जो मन चाहा व्यवहार करता है, जो मर्यादा का उल्लंघन करता है, जो मर्यादाओं में नहीं रहता है, कम शब्दों में अधिक समझें, उसे दूसरे जीवन में अथवा इसी जीवन में भरी जवानी में या तो उसे विधवा होना पड़ता है या उसे विदुर होना पड़ता है, विदुर मीन्स पुरुष को। इसलिए शास्त्र युक्त कर्म करके अपने जीवन को आगे जीना चाहिए। सोमनी ने क्या किया इसका उल्लेख तो शिव पुराण में या नहीं है, लेकिन इसका उल्लेख है कि वो भरी जवानी में विधवा हो गई, और भरी युवानी में अपने मन को रोकना बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। घर वाले ये डरने लगे कहीं ऐसा ना हो कि ये गलत मार्ग पर चली जाए, अगर ये गलत मार्ग मनमुखी हो गई, मनमुखी का मतलब जो मन पे आए। बच्चों को ध्यान से सुनना चाहिए, कभी भी जीवन मनमुखी होकर नहीं जीना चाहिए, जो मन में आए हम वही करेंगे, ये तो निश्चित दुख ही देगा। जो हमारे शास्त्र कहें, जो हमारे पुराण कहें, जो हमारे घर के बड़े कहें, वो अगर हम करेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे।
गूढ़ दुख उसे मिलता है जो मनमुखी जीवन जीता है। मेरे मन पे आए वो आते ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मर्जी से दुनिया नहीं चलती है माय डियर। मर्जी तो सबकी प्रधानमंत्री बनने की है, बनोगे? मर्जी तो सबकी बिल ग्रेट्स बनने की है, बन पाओगे? मर्जी तो जो भक्त हैं उनको भगवान से मिल जाने की है, मिल पाओगे? बुरे लोगों की मर्जी तो दिन रात पीने की है, कैसे संभव है? और दिन रात तो वो पीने वाला भी नहीं पी सकता। मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं जी जा सकती। हाँ, मार्ग कैसा है, हमारे महात्माओं ने कौन सा मार्ग दिखाया है, समाज कौन से मार्ग को स्वीकार करता है, अगर ऐसे जीवन जियोगे तो वो तुम्हारे लिए लाभप्रद होगा। वो डर गए कहीं ये मनमुखी जीवन न जीना प्रारंभ कर दे, कहीं इसके मन में जो आए वही न करने लग जाए। तो वो लोग, मैं यहां हल्की सी कोई बात बीच में छिपा रहा हूं इसलिए आगे बढ़ जाता हूं, कि वो लोग उसे घने जंगल में छोड़ाए, जो परिवारी जन थे, उस सौमनी नाम की विधवा स्त्री को भरे जंगल में छोड़ाए, घने जंगल में, और चले आए। अब वो बेचारी भूख से प्यास से तड़पने लगी। वो तड़पती थी, वो रोती थी, वो व्याकुल थी, वो अपने भाग्य पर रोती थी। उसी समय जंगल में रहने वाला एक व्यक्ति उसे अपने साथ में ले गया और उसे अपने साथ में ले जाकर उसे खाने को कुछ दिया। वो खाना खाया, धीरे धीरे उसी के साथ रहने लगी। जब धीरे धीरे उसके साथ रहने लगी, उसके साथ रहने से उसका स्वभाव बिगड़ने लगा। कैसे? वो व्यक्ति मांस खाता था, मदिरा पीता था, और जो व्यक्ति मांस अथवा मदिरा का सेवन करता है वो विचारों में निकृष्ट अवश्य हो जाता है, उसके विचार गिर जाते हैं। मांस खाने से व्यक्ति के विचार, आप जितने भी ड्रिंक करने वाले लोग हैं, रात्रि में पार्टी कौन करता है बताओ? मोस्टली पार्टी में कोई जन्मदिन का उत्सव मना रहा है वो पार्टी नहीं कही जाएगी, विवाह हो रहा है वो पार्टी नहीं कही जाएगी, कोई विशेष उत्सव हो रहा है वो पार्टी नहीं कही जाएगी। जो पैसे उड़ाने के लिए पार्टी करते हैं, नाचने के लिए पार्टी करते हैं, पीने के लिए पार्टी करते हैं, नशा करने के लिए पार्टी करते हैं, और अनाप शनाप अटरम शटरम जो भी है व्हाटएवर, बताइए वो लोग कौन होते हैं? वो होते हैं पीने वाले और खाने वाले। ये काम वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है ऑलरेडी, पी के नशा करके, नशा करके बुद्धि नष्ट हो चुकी है। हमारे भारत का कानून भी बड़े गजब का है, हमारे यहां कहते हैं पी के ड्राइविंग मत करो। क्या कहते हैं? पी के ड्राइविंग, नशा करके ड्राइविंग मत करो। और जितने भी मदिरा के ठेका हैं वो सब हाईवे पे ही हैं, और वो दुकानें सरकार की हैं, सरकार ने खोलने की इजाजत दी है। ये देखो क्या गजब का कानून है, ड्राइविंग नहीं करो ड्रिंक करके, लेकिन सारी दुकान हाईवे पे खुली पड़ी हैं। और भयंकर ठंडी, महाभयंकर ठंडी, जन क्या कह लगते हैं, अंग्रेजी शराब की दुकान कहाँ है बोले हाईवे पे। जब पी के ड्राइविंग करनी नहीं तो हाईवे पे दुकान खुलवाई क्यों रहे हो? सरकार को गोडाउन बनाने चाहिए, एक शहर में एक गोडाउन बस, और वो भी सरकार के द्वारा संचालित हो, और वो भी उन्हें मिलेगा जिनका आधार कार्ड होगा, और उन्हें ही मिलेगा जिनकी मासिक आय कम से कम 15 लाख रुपए महीने हो, जिसमें से 5 लाख सरकार को देने होंगे पर मंथ टैक्स के रूप में, उन्हें सरकार शराब मुफ्त में पिलाएगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो मेरा आइडिया कैसा लगा?
कम से कम जो रोज 100 रुपए कमा के लाने वाला और 50 रुपए की दारू पी के आने वाला वो घर बच जाएगा, उस घर की माँ बच जाएगी, डांट नहीं खानी पड़ेगी, बच्चों के आगे गाली नहीं सुननी पड़ेगी, वो परिवार बच जाएंगे, वो बच्चे अपने माँ बाप को झगड़ते हुए नहीं देखेंगे। कितने घर उजड़ गए वो घर उजड़ने से बच जाएंगे। सरकार को काम वो करना चाहिए जो जनता के हित में हो, वो नहीं करना चाहिए जिससे देश का खजाना बढ़ जाए। अगर देश की जनता समृद्ध रही, प्रबुद्ध रही, बढ़ी रही, कभी भी खजाना बढ़ देगी, लेकिन देश की जनता ही जब टूटे हुए पैरों पर आगे बढ़ेगी, घर टूटे हुए होंगे, बच्चे बिखरे हुए होंगे, तो खजाना कितना भी भर लो तुम्हें खाली करना ही पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। उस कन्या को जो लेके गया था वो पीने खाने वाला था, वो खुद भी पीता था और उसे भी पिलाता था, सोमनी को पिलाता था और वो भी बैठ के पीती थी, मांस खाती थी मांस। अरे ऐसे क्यों हंस रहे हो, शहरों में कई पीती हैं, आपको बहुत मिल जाएंगी। पता नहीं कौन कह रहा था, अरे छोड़ो ना, क्या बाड़ में जाना, तो हमारा क्या मतलब पड़ा। बोले महाराज हम ज्यादा नहीं पीते, कभी कभार पार्टी में पार्टी होती थी, बाहर में जाए ऐसी पार्टी, क्या मतलब उस पार्टी से। देखो पार्टी तो ये है जो अभी यहां चल रही है, कितनी पवित्र पार्टी चल रही है, जो इसमें गलती से भी इन्वॉल्व हो गया उसका बेड़ा पार हो गया। और रात में नहीं हो रही, दिन में हो रही है। आहा, उस पुरुष से उसको एक कन्या हो गई, लेकिन पुरुष बड़े स्वार्थी होते हैं, जहां मतलब सिद्ध हुआ वहीं से निकल जाते हैं, उसे छोड़ के वो व्यक्ति निकल गया कहीं बिना बताए। अब बहुत दिन तो ढूंढते रहे, नहीं आया तो सोचा कि अब तो खुद ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, अब कैसे जीवन व्यतीत करे। एक दिन रात्रि में कन्या सो गई थी, उसका मन हुआ कुछ मांस खाने का, मांस खाने का मन हुआ उसका, और मांस खाने के लिए रात्रि, अच्छा उसके जहां वो रहती थी उसी घर के बगल में एक बाड़ा था, बाड़ा, बाड़ा समझते हो, जहां पशु रहते हैं, वहां बकरे भी थे और बछड़े भी थे। क्या थे? उस बाड़े में बकरे भी थे और बछड़े भी थे। इसने कुलाड़ी उठाई, अंधेरा हो रहा था, ये सोच के एक बकरा काट के लाऊंगी और खा लूंगी तो मेरा भोजन बन जाएगा। अंधेरा हो रहा था, जाके पकड़ लाई और कुलाड़ी से प्रहार किया और मार दिया उसको और उसे ले आई। जब घर में लेके आई, जब उसका वहां, क्योंकि कुछ जो घर में दीपक जल रहा था और जब दीपक जलता हुआ उसको दिखाई पड़ा तो देखा तो वो बकरा नहीं था, बछड़े का सर था। कुछ भी हो, थी तो ब्राह्मण की बच्ची, उसको लगा कि ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया आज। जैसे ही बछड़े को देखा उसके मुंह से 2 बार निकला सेव सेव, कितनी जोर से बोलो, ओनली 2 times she said शिवा शिवा, 2 बार बोले सिर्फ शिव शिव। लेकिन नशा करके मांस खा के उसकी बुद्धि इतनी मलिन हो चुकी थी, इसके बावजूद भी वो बछड़े को खा गई, बछड़े को मांस, बछड़े के मांस को खा लिया उसने। इसके बाद वो मर गई, कुछ समय बाद मर गई। काल जब आता है तो अच्छे अच्छों को ठिकाने लगा देता है, उसको भी ठिकाने लगा दिया, वो मर गई। यमराज के दूत उसे लेकर गए,
और यमराज के दूत जब उसे लेकर गए तो यमराज ने उसे अनेकानेक नरकों में यातनाएं दी, कष्ट दिया, क्योंकि पाप किए थे, मांस खाया था, मदिरा पी थी। जो लोग मांस और मदिरा पान करते हैं, सेवन करते हैं, मानो या मत मानो, आज मत मानो कोई बात नहीं, पर कल जब यमराज के दूत तुम्हारे जो है सो लाल पीले कर देंगे तुमको, फिर तुम्हारा सब कुछ होश ठिकाने आ जाएगा। तुम्हारी सुभैया, शिव पुराण में बताऊंगा नरकों का भी वर्णन, शिव पुराण में भी है, शिव पुराण 15 से 21 अगस्त हम आपको सुनाएंगे, तब तक शिव कथा चलती रहेगी ऐसे ही। शिव कथा मतलब किसी भी पुराण से, कहीं से भी, स्कंद पुराण की भी हमने शिव कथा आपको एक दो प्रसंग सुनाए, लिंग पुराण के भी कुछ प्रसंग है, रामचरितमानस के भी कुछ प्रसंग है, तो शिव कथा में तो सब सम्मिलित हो जाएगा। लेकिन जब शिव पुराण होगा तो फिर तो मात्र शिव जी की कथा शिव पुराण से ही कही जाएगी, पूरे विधान से। तो शिव पुराण में भी नरकों का वर्णन किया गया है। मदिरा मद्यपान करने वाले, मांस भक्ष करने वाले सबको नरक में जाना पड़ता है। तो उस स्त्री ने भी ये सब किया था, तो उस स्त्री को भी नरकों की यातना देने के बाद उसका जो अगला जन्म हुआ वो चांडाल के घर में हुआ, वो भी कन्या के रूप में हुआ। ध्यान से सुनना, पीने खाने वाले सुन लो, सुन लो, पीने खाने वालों सुन लो, तुम्हारी दशा क्या होगी सुन लो। जो पीते खाते और उल्टे सीधे काम करते हैं, यमराज उन्हें कैसी पनिशमेंट दे दे। उसका जो अगला जन्म हुआ वो चांडाल के घर में हुआ। जन्म के कुछ समय बाद ही उसके माँ बाप मर गए। जन्म के कुछ समय बाद ही उसके माँ बापों का प्राणांत हो गया। इतना ही नहीं, वो जन्मांध थी। कैसी थी? दोनों आंखों से अंधी थी वो, जन्मांध, जन्म से ही अंधी थी। और एकदम तवे की तरह काली थी, तवे की तरह, जैसे तवा होता है ना, तवा, समझ गए कि तयो कहूं, इंग्लिश में तय को क्या बोलते हैं, है? हाँ ये तो देखो क्या बोलते बेटे, पेन, पेन, अरे चूल्हे में दे दो, तुम समझ गए ना, मैं काय को अपने टाइम खराब करूं, वो ही कहते हैं जो अभी आप लोगों ने कहा इंग्लिश में, तय को, तय को, तवे को, वही कहते हैं। तो जैसे तवे का कलर था वैसा ही उसका कलर था, एकदम काली, जन्मांध, ऊपर से कुष्ठ रोग की मरीज, ऊपर से कुष्ठ रोग की मरीज। अब जब माँ बाप ही नहीं रहे, उसका पालन पोषण कैसे हो, जैसे तैसे पड़ोस में से कभी मांग के ले आती, कभी कहीं से, कभी कोई कुछ दे देता, ऐसे वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके बाद वह अंधी चांडाली भूख से पीड़ित एवं दीन हो लाठी हाथ में लेकर जहां तहां डोलती और चांडालों के झूठन अन्न से अपने पेट का पोषण करती। इस प्रकार महान कष्ट से अपनी अवस्था का बहुत भाग बिता लेने के पश्चात वृद्ध अवस्था से ग्रस्त शरीर वाली वो घोर दुख पाने लगी। किसी समय उस चांडाली को ज्ञात हुआ कि आगे आने वाली शिव तिथि में बड़े बड़े लोग गोकर्ण क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। उसने कुछ लोगों के बहुत बड़ी भीड़ के जाने का, मतलब संख्या थी एक ग्रुप टाइप, उनके जाने की पदचाप सुनी, चलने की आवाज, तो किसी से पूछा ये इतने लोग कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। तो किसी ने उसको बताया कि
ये जो लोग हैं गोकर्ण क्षेत्र की ओर जा रहे हैं महादेव की पूजा करने के लिए, शिव का पूजन करने के लिए, उस चांडाली को क्या लगा कि मैं इनके साथ चली जाऊंगी, तो ये लोग तो अच्छे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं तो क्या जब मैं इनके साथ चलूंगी तो मुझे अंधी को, रोगी को, बूढ़ी को कुछ खाने पीने को तो देते रहेंगे, वस्त्र भी देते रहेंगे, इस वाने मेरा भी जीवन ज्ञापन होगा। वो तीर्थ करने के लिए नहीं गई थी, वो शिव को मनाने के लिए नहीं गई, ध्यान से सुनना, वो शिव जी को मनाने नहीं गई थी, वो तीर्थ करने नहीं गई थी, उसका कोई उद्देश्य शिव को मनाने का नहीं था। बावजूद इसके वो गोकर्ण क्षेत्र की ओर गई, भाव मन में यही था कि ये अच्छे लोग हैं, भक्त लोग हैं, मुझे भी कुछ खाने पीने को अथवा वस्त्र दे सकते हैं। ऐसी भावना के साथ वो भी लकड़ी का सहारा ले लेकर उनके साथ चलने लगी, उनके साथ जाने लगी, महाजनों के साथ में वो प्रार्थना करती, उधर उधर उनसे कहती, इस प्रकार याचना करती हुई उस चांडाली की फैली हुई अंजलि में वो वहां सबसे मांग रही थी, ऐसे कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो। ध्यान से सुनना, अनजाने की सेवा भी होती, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। वो ऐसे हाथ फैला के मांग रही थी, कुछ दे दो, कुछ दे दो। तो एक शिव भक्त वहां होके निकला, शिव भक्त जब वहां होके निकला तो उसने, उसके हाथ में बेलपत्र थी, उसने कुछ बेलपत्र उसके हाथ में रख दी, कुछ बेलपत्र, और बहुत देर वो हाथ से टच करती रही उसको, ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि ब्लाइंड थी, नेत्रविहीन थी, देख नहीं सकती थी, तो स्पर्श से ही पता करती थी कि खाने योग्य है, कि पहनने योग्य है, कि रखने योग्य है या फेंकने योग्य है, वो स्पर्श से पता लगाती थी। तो उस चांडाली ने क्या किया, बहुत देर हाथ से उसे स्पर्श करती रही, क्या है क्या है, पर उसे स्पर्श करने के बाद पता लग गया कि ये खाने योग्य पदार्थ तो नहीं है। तो जब खाने योग्य पदार्थ नहीं है तो उसका मैं क्या करूंगी, उसने उस बेल पत्र को फेंक दिया, उसने उस बेल पत्र को फेंक दिया, उसके हाथ से छूटी हुई वो बिल मंजरी शिवरात्रि के रात्रि में उसके हाथ से फेंकी गई, वो बेल पत्र शिवरात्रि वाले दिन वहां पर महादेव जो शिवलिंग के रूप में उपस्थित थे उनके ऊपर जाके गिर पड़ी, चढ़ाई नहीं गिर पड़ी, हवा में उड़कर पहुंच गई और मां गिर गई उन्हीं के ऊपर। इस प्रकार चतुर्थी के दिन यात्रियों से बार बार मांगने पर भी उस दिन उसे कुछ नहीं मिला, बार बार मांगा उसे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला तो कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं खाया तो चतुर्थी का, चतुर्दशी का व्रत भी हो गया उसका, शिव चतुर्दशी का उसका व्रत हो गया, और एक बेलपत्र उसके हाथ में आ गया था, उसने वो फेंक दिया था, वो उड़ के शिवलिंग के ऊपर जाके गिर गया, तो वो अनजाने में ही शिव की पूजा भी हो गई थी। उसने वो उत्तम व्रत अत्यंत आनंददायक जागरण भी कर लिया था, क्योंकि रात्रि भर वहीं थी तो वहां शिव जी का नाम गाया जा रहा था, वो नाम भी उसके कानों में पड़ रहा था, स्तोत्रों का भी पाठ हो रहा था, वो तो स्तोत्रों से शोक युक्त होकर धीरे धीरे अपने घर के लिए चल पड़ी, और बहुत समय उपवास करने के कारण उसे अधिक देर चला नहीं गया, मार्ग में ही उसका प्राणांत हो गया। बोलो राधे राधे। चलते चलते जब प्राणहीन होकर गिर पड़ी तो उसने शिव जी की कृपा से परम पद को प्राप्त कर लिया, शिवगण उसे अपने विमान में बैठाल कर लेकर गए, शिवगण उसे अपने विमान में बैठाल कर लेकर गए, भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लिया।
हे ब्राह्मणों, पूर्व जन्म में इस व्यभिचारिणी स्त्री ने जो आज्ञा में अज्ञान में इस व्यभिचारिणी स्त्री ने पूर्व जन्म में अज्ञानता बस ज्ञान से नहीं अनजाने में जानबूझ के नहीं जो बछड़े को काटते समय दो बार शिव शिव कह दिया था उसके फलस्वरूप इसको गौकर्ण क्षेत्र में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गौकर्ण क्षेत्र में आने के बाद अनचाहे शिवरात्रि का व्रत हो गया और अनचाहे हाथ से बेलपत्र महादेव के ऊपर जाकर चढ़ गया। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं जोर से, जानबूझकर नहीं चाहकर नहीं अनजाने में वो बेलपत्र शिव जी के ऊपर जाके गिर गया। अनजाने में किया हुआ वो पुण्य वो सत्कर्म उसका बेड़ा पार कर गया, उसका कल्याण कर गया, उसे भगवान शिव के धाम में प्रवेश मिल गया। वो शिव के धाम में जाकर बैठ गई और आज भी वहां पर सुख पा रही है। हे ब्राह्मणों, शिव जी की इस प्रकार की महाबलेश्वर नामक महालिंग शीघ्र ही सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा परमानंद प्रदान करने वाला है। वो चांडालनी आज भी भगवान के धाम में सुख पा रही है। ध्यान देने योग्य बात है, आप सब ध्यान देंगे, जिसने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत किया, अनजाने में और अनजाने में बेलपत्र फेंक दिया था जो चढ़ गया, उसका फल ये हुआ कि आज भी वो चांडाली भगवान के धाम में है। आप अगर शिवरात्रि के दिन जानबूझकर अभिषेक करेंगे, आप अगर शिवरात्रि के दिन जानबूझकर बेलपत्र चढ़ाएंगे, आप अगर जानबूझकर उस दिन व्रत रखेंगे, आप अगर उस दिन जानबूझकर शिव जी का नाम उच्चारण करेंगे और जागरण करेंगे, तो कभी सोचा है कि उसका कितना बड़ा फल होगा? सोचा है? नहीं सोचा होगा, सोचने का समय नहीं है। तो आइए इस श्रावण मास में एक और श्रेष्ठ कार्य करते हैं। कौन कौन रहेगा मेरे साथ शिवरात्रि का व्रत? कौन कौन करेगा मेरे साथ शिव जी के अभिषेक और कौन कौन चढ़ाएगा मेरे साथ शिव जी पे बेलपत्र? छह तारीख को है, क्या को है? क्या बोलना पड़ेगा? अब कैसे होगा वो तो हम नहीं बता सकते, वो तो हमारे कार्यकर्ता आपको सूचना दे देंगे कि कौन कौन उस दिन स्पेशली। अगर रात्रि में अलग से अभिषेक, जो पूर्ववत अभिषेक है वो चलेगा ही, लेकिन अलग से भी करना हुआ तो अलग से भी शिवरात्रि का व्रत करें, अभिषेक करेंगे। शिवरात्रि के दिन हम सबको, देखो एक तो सबसे बड़ा कार्य तो यही हो रहा है कि हम 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, वो भी सावन में, और जो जो एक दिन भी इनका हिस्सा बने हैं, एक दिन भी, वो महत्वपूर्ण है और उनके भाग्य की प्रशंसा देवराज इंद्र भी नहीं कर सकते, इतने सौभाग्यशाली हैं आप लोग। तो आप जो सेवा कर रहे हैं ये सेवा अवर्णनीय है, इसका भला कौन वर्णन कर सकता है। बावजूद इसके हम सबको चाहिए कि हम सब मिलकर अपने भाग्य को बढ़ाएं।